पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विच बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को पुलिस ने छापेमारी के दौरान हुक्का पार्लर से पकड़ा है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने मंगलवार की रात एक हुक्का पार्लर में छापेमारी कर स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस फेम मुनव्वर फारूकी को हिरासत में ले लिया था। हुक्का पार्लर में अवैध सेवन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां छापामारी करने पहुंची थी। हिरासत में लिए गए लोगों में मुनव्वर फारूकी का नाम भी शामिल है। ये वही मुनव्वर फारूकी है जो जल्द ही मुंब्रा शहर में आए थे और यहां पर विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि महाराष्ट्र में ड्रग्स के खिलाफ मुनव्वर फारूकी यूथ आइकॉन बनेंगे। और अब वही मुनव्वर फारूकी को हुक्का पार्लर में रेड के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छापेमारी में शामिल एक अधिकारी ने बताया है कि हमारी टीम ने हुक्का के नाम पर तंबाकू के इस्तेमाल होने की जानकारी मिलने के बाद मुंबई के हुक्का बार पर छापा मारा गया। वहां से मिली चीज़ों को जांच के बाद हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए लोगों में मुनव्वर फारूकी भी शामिल था। खबरों के अनुसार मुंबई पुलिस की तरफ से जो बयान दिया जारी किया गया है उस बयान के मुताबिक फोर्ट इलाके में हुक्का पार्लर में रेड के दौरान हिरासत में लिए गए बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी और 13 अन्य लोगों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है। हालांकि उन सभी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।